तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गाइस एक न्यू चाइनीज ड्रामा के बारे में, और ये चाइनीज ड्रामा गाइस 2021 में गाइस अपने लैंग्वेज में आ चुकी है, चाइनीज लैंग्वेज में। तो 2024 में गाइस इसका हिंदी डब के साथ में आ चुका गाइस रिमेंबर माय बॉय, जो कि हिंदी डब के साथ में आपको देखने को मिलेगा गाइस, वो भी अमेजन मिल्टी गाइस, वो भी फ्री में। तो चलिए गाइस बात करते हैं इसमें आपको क्या देखने मिलता है, जहां पर गाइस इस ड्रामे को आपको जरूर वॉच करना चाहिए। तो इस ड्रामे का गाइस आपको टोटल आपको 24 एपिसोड देखने मिलता है, और जो कि हर एपिसोड का जो कि लेंथ होने लगा आपको 30 और 35 मिनट्स के बीच में देखने मिलता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी में आपको देखने मिलता है जहाँ पर दो फ्रेंड रहते हैं, जहाँ पर जिसमें आपको जांग यान और जिंग मांग की स्टोरी आपको देखने मिलती है, जहाँ पर गाइस इन दोनों स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे खासे फ्रेंड हो जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फीलिंग होने लग जाती है, जहाँ पर जो कि इसमें जांग यांग रहता है, जहाँ पर ये बहुत अच्छा खासा लड़का रहता है, थोड़ा नक्चा रहता है, लेकिन उन लोगों की पहली मुलाकात होती है जांग यान और जिंग मांग की, जहाँ पर इन दोनों की लड़ाई से शुरुआत होती है, लेकिन इन दोनों के बीच फीलिंग आने लग जाती है स्कूल के दिनों में, जहाँ पर जो कि हमारे जो कि जिंग मांग रहती है राइटर बनने का इसका सपना रहता है, जहाँ पर जो कि हमारे जांग यांग रहता है वो बहुत नक्चर सा रहता है, और उसके अंदर बहुत उसका दिल बहुत साफ रहता है, और उसका सबका सपना रहता है स्टेज पर डांस करना, उसको डांस बहुत पसंद रहता है, लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि जांग यांग को बहुत ज्यादा पसंद है डांस करना। वहीं पर जो कि हमारे जो कि जिंग मांग रहती है उसका सपना क्या पूरा हो पाएगा, क्या वो राइटर बन पाएगी, वहीं पर जो कि हमारे जो कि जांग यांग रहता है वो मतलब कि वो डांसर बनने रहता है, क्या वो डांसर बन पाएगा, और वहीं पर जो कि जांग यांग और जिंग मांग के बीच में बहुत अच्छा खासा चीज चलते रहता है, इन लोगों के बीच में बहुत अपने लिए बहुत फीलिंग इन लोगों के लिए रहता है एक दूसरे के लिए, जहाँ पर इन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी तक बता नहीं पाते, और इन दोनों का एक दूसरे से वादा रहता है कि हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे एक साथ में। हमारा जो कि जिंग यांग रहता है उसको अच्छी तरह पढ़ने नहीं आता, लेकिन जो कि हमारा जिंग मांग रहती है उसको पढ़ाती रहती है, लेकिन ऐसे वक्त क्या हो जाता है जो कि जिंग यांग और जिंग मांग रहते वो मतलब कि उन दोनों अलग हो जाते हैं, जहाँ पर जो कि हमारा जो कि जिंग यांग रहता है वो मतलब कि छोड़ के चला जाता है जिंग मांग को। तो ऐसे क्या होती है, क्या ऐसी मजबूरी होती है कि मतलब कि जो जिंग मांग रहता है वो चले जाता है, जिसमें आपको दो स्टोरी आपको देखने मिलती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में आपको प्रेजेंट वाली स्टोरी आपको देख मिलती है, और लास्ट में आपको पास्ट वाली स्टोरी आपको देख मिलती है, जहाँ पर ये सब आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है गाइस, जहाँ पर गाइस आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में देखते रहोगे, तो इन दोनों की कम मुलाकात होती, कम इन दोनों मिलेंगे, तो ये सब चीज़ आपको इस स्टोरी में आपको देख मिलते हैं। तो हाल फिल्म गाइस ये मेरे को ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, जिस जो ये गाइस आपको टीनेजर ड्रामा रहता है ना कि स्कूल का ड्रामा रहता है, बहुत अच्छा गाइस है कि स्कूल ड्रामा रहता है, बहुत मज़ा आता है देखने में, रोमांस होता है, हम लोग क्या सीखते क्या नहीं सीखते, ये सब चीज़ इस ड्रामे में आपको देख मिलता है, फुल पैकेज ड्रामा गाइस, आप आराम से इस मतलब कि ड्रामा को देख सकते हो, फैमिली के साथ भी देख सकते हो आराम से, जहाँ पे कोई भी हिचक नहीं है, कोई भी ऐसा सीन नहीं गाइस जहाँ पे आप इसको देख नहीं सकते हो, तो आराम से गाइस जाइएगा इस ड्रामे को वॉच कीजिएगा। तो ये था गाइस आज के लिए मेरा रिव्यू, होप गाइस आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे लेटेस्ट ड्रामा का रिव्यू करते हुए।